एंटरटेनमेंट एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट। सो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी सेंटेंस के बारे में, और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो फिनिश हो रही थी तो मैंने बात कर था कि सेंटेंस को क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं बट वो हमेशा क्या देते हैं हमें, कंप्लीट सेंस देते हैं। अगर बाय द वे वो कंप्लीट सेंस ना दें तो क्या होंगे, मैंने बोला था कि जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि अगर वो कंप्लीट सेंस नहीं देते एक्चुअली में तो वो क्या होते हैं। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, द सेंटेंस फ्रेज एंड क्लॉज। ये दोनों वर्ड आपके लिए थोड़े से नए हैं, तो चलिए जान लेते हैं क्या होता है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसका सेंस जो कंप्लीट सेंस दे, अगर वो कंप्लीट सेंस ना दे तो वो सेंटेंस नहीं होता, और अगर ना दे कंप्लीट सेंस तो क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। एक वर्ड है फ्रेज, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स Having sense but not complete. उसके पास sense तो होता है but वो complete नहीं होता। जैसे like मैंने एक example ले लिया, in the park. तो in the park ये सुन के आपको क्या समझ में आया, nothing. In the park, park में मतलब कुछ तो sense है कि park में कुछ, but क्या हो रहा है, कौन है, क्या है, nothing. हमें कुछ sense इसका पता नहीं चल रहा, तो complete sense जानना होगा। अगर वो कंप्लीट दे रहा है तो सेंटेंस है, अगर कंप्लीट नहीं दे रहा तो वो फ्रेज होता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंस तो देते हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं देते वो होते हैं फ्रेज। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्लॉज क्या होता है। चलिए क्लॉज देखते हैं। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसके भी अपने सब्जेक्ट होता है, इसका भी अपना वर्ब होता है, और क्लॉज की एक खासियत होती है कि ये लार्जर सेंटेंस, जो बड़े सेंटेंस होते हैं उनका हिस्सा होता है क्लॉज। लाइक क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब ऑफ इट्स ओन, सब्जेक्ट और वर्ब इसका खुद का होता है और ये लार्जर सेंटेंस का एक पार्ट होता है क्लॉज। चलिए समझते हैं क्लॉज को क्या होगा, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एना सिंग्स व्हेन शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग, एना गाती है जब वो सुबह उठती है, तो when she gets up in the morning, जब वो सुबह उठती है तो एना गाना गाती है। तो आपको पहचानना कैसे है कि क्लॉज है, तो देखिए एना सिंग्स, एना गाना गाती है, इसका खुद से एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, यानी कि ये सेंटेंस हुआ एना गाना गाती है, ये सेंटेंस है। क्यों सेंटेंस है, कि हमें सेंस हो रहा है कि एना कुछ काम कर रही है, एना गाना गाती है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें कंप्लीट सेंस दिए, तो ये तो हो गया आपका सेंटेंस। क्लॉज When she gets up in the morning, जब वो उठती है, अगर एक सेकेंड के लिए हम इसे भूल जाते हैं, सिर्फ अगर आपके सामने ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाया जाए तो आप इसे सेंटेंस बोलेंगे कि क्लॉज बोलेंगे या फ्रेज बोलेंगे। देखिए क्या होता है, When she gets up in the morning, जब वो सुबह उठती है, ये फ्रेज नहीं हो सकता। क्यों फ्रेज नहीं हो सकता, क्योंकि इसका खुद का सब्जेक्ट भी है और खुद का अपना वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। तो यही पार्ट आपका हो गया क्लॉज, क्योंकि ये हमें बता तो रहा है बट ये भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। सेंस हमें दे रहा है व्हेन शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठती है, बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा कि कौन उठता है, कौन गाना गाता है। जब हम कंप्लीट देखेंगे तब, तो ये लार्जर सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस है, उसी का पार्ट होता है आपका क्लॉज। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्लॉज वाले हिस्से में ही हमेशा प्रेडिकेट होता है, सॉरी आपका फ्रेज होता है। जैसे एना सिंग्स व्हेन शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग, एना गाती है जब वो सुबह उठती है, इन द मॉर्निंग, अगर मैं इस सारी चीज को एक सेकेंड के लिए कवर अप कर लेता हूँ तो इन द मॉर्निंग ये आपका फ्रेज हो जाएगा। मॉर्निंग में मतलब क्या, मॉर्निंग में कुछ नहीं पता चला, बट जब हम इसको पूरा देखेंगे व्हेन शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग तो ये क्लॉज हो गया, और जब पूरे सेंटेंस को ले लेंगे तो वो हो गया कंप्लीट सेंटेंस। तो आई होप समझ में आपको आ गया। देखिए फिर से देख लेते हैं सेंटेंस फ्रेज एंड क्लॉज, एक बार और रिकॉल करते हैं। सेंटेंस क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बट सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस देते हैं। फ्रेज क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बट हमें कंप्लीट सेंस नहीं देते, सेंस होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता। और क्लॉज क्या होता है, क्लॉज के पास खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद ही का एक वर्ब होता है। ये जान लीजिए जो भी क्लॉज होगा उसमें सिर्फ एक ही वर्ब होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा। चलिए तो अब वर्ब के हिसाब से भी हम पहचान लेते हैं, एक डिस्टिंक्शन इस हिसाब से भी कर लेते हैं। एक हिसाब हमने किया कि जो कंप्लीट सेंस देगा वो सेंटेंस, जो नहीं देगा वो आपका हो गया फ्रेज, और जो देगा या नहीं देगा वो आपका हो गया क्लॉज।
अब वर्ब के हिसाब से देख लेते हैं, तो सेंटेंस के बारे में जान लीजिए। सेंटेंस में एटलीस्ट कम से कम एक वर्ब तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो वर्ब होता है ना वो सेंटेंस का एक तरीके से समझ लिए हर्ट होता है, बिना हर्ट के हम तो रह नहीं सकते। तो इसी तरह बिना वर्ब के सेंटेंस भी नहीं हो सकता, तो सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब होना चाहिए, एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। फ्रेज का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ना इसके पास कोई वर्ब होता है, और क्लॉज में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। तो इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं ये डिपेंड करता है उसके फाइनाइट वर्ब पे। अगर एक है, अगर एक ही फाइनाइट वर्ब है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उसे सेंटेंस बोले या क्लॉज बोले। तो अगर किसी सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब है तो क्लॉज हो गया, मैंने बताया एक, तो वो सेंटेंस होता है, बट वो सिंपल सेंटेंस होता है। अगर दो क्लॉज हो गए, यानी कि उस सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब थे, तो एक सेंटेंस का पार्ट हो गया, क्लॉज हो गया। तो वर्ब के हिसाब से भी मुझे लगता है आप समझ गए। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, सेंटेंस क्या होना है, जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, और उसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। फ्रेज क्या है, जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता, सेंस देता है बट कंप्लीट सेंस नहीं देता, और फ्रेज का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होता। एंड लास्ट वन इज क्लॉज, क्लॉज का खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का ही वर्ब होता है, और ये लार्जर सेंटेंस के लार्जर पार्ट का हिस्सा।